बच्चों, संवाद का अर्थ है बातचीत। हम सभी हर रोज सुबह से शाम तक कितने लोगों से संवाद अर्थात बातचीत करते हैं। कहानी और नाटकों में भी सब पात्रों के बीच संवाद होता है। संवाद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सरल भाषा में हो, छोटे और रोचक हो, पात्रों के लिए अनुकूल हो, उचित विराम चिह्नों का प्रयोग करें। आओ अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम भी संवाद लिखना सीखें। रक्षाबंधन के त्योहार पर अनुभव, भाई बहन का संवाद। बहन आ, अब जल्दी से मुझे राखी बांध दे। हाँ भैया, राखी तो बांध दूंगी, पर पहले यह बताओ क्या उपहार दोगे? अगर अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, पहले राखी बांध दे। नहीं भैया, पहले बताओ। अरे थोड़ी देर की तो बात है, जल्दी से राखी बांध दे, फिर अपना उपहार ले लेना। अच्छा ठीक है। ये ले अपना उपहार। धन्यवाद भैया, तुम मेरे लिए कितने सुंदर उपहार लाए हो। यह गुड़िया मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी मनपसंद चॉकलेट। धन्यवाद भैया, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे पता था कि तुम्हें यह दोनों उपहार पसंद आएंगे। आओ दृश्य को देखकर उसका वर्णन करना सीखें। दिए गए दृश्यों को देखो और दिए गए वाक्यों को उचित स्थान पर रखकर चित्र का वर्णन करो। यह मेरी प्यारी फुलवारी है। यह मेरे घर के दरवाजे पर है। इसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। मेरी फुलवारी में लाल और गुलाबी रंग के गुलाब हैं। लाल गुड़हल और सफेद चमेली की अपनी ही शोभा है। शाम के समय चमेली और रात की रानी अपनी खुशबू से पूरा घर महका देती हैं। दिन भर भंवरे गुनगुन गाते मेरी फुलवारी में मंडराते हैं। फुलवारी के बहाने मैं रोज रंग बिरंगी तितलियों से मिलती हूँ। मेरी फुलवारी मेरे घर के द्वार की शोभा है। बच्चों, अपने जीवन में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को ईमानदारी तथा स्पष्टता के साथ प्रतिदिन लिखना ही डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन डायरी लिखें, उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन अवश्य करें। दिन, समय और स्थान भी लिखें। बनावटीपन तथा कल्पना का डायरी में कोई स्थान नहीं होता। डायरी में सब कुछ सच लिखा जाता है। अपनी प्रतिक्रिया अथवा टिप्पणी भी दे सकते हैं। अब यह उदाहरण देखकर डायरी लिखना सीखो। उदाहरण 3 जुलाई 2015, दिल्ली, शुक्रवार, रात्रि 8 बजे। आज के दिन की शुरुआत बिल्कुल रोज की तरह ही हुई। सुबह उठकर व्यायाम किया और फिर झटपट नहाना धोना करके स्कूल के लिए रवाना। जिस समय मैं स्कूल जा रहा था, उस समय तक भी मैंने नहीं सोचा था कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। जिस समय मैं स्कूल से लौट रहा था, तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर बड़ी भीड़ लगी है। पास जाकर पता लगा कि चाय की दुकान के मालिक ने आज वहां काम करने वाले 13 वर्ष के गोकुल को बहुत मारा। उसकी गलती यह थी कि वह मालिक से छिपकर एक कागज पर अपना नाम लिखना सीख रहा था। मैंने गोकुल की हालत देखी तो मेरे आंसू आ गए। उसके मालिक को लोग पुलिस के हवाले कर चुके थे, पर उस बेचारे बच्चे का क्या? पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा का क्या? उसकी उस इच्छा के बारे में किसी ने न कुछ किया न सोचा। पर मैंने उसी समय अपने मन में संकल्प लिया कि अब से मैं रोज उसे उसका नाम लिखना सिखाऊंगा। जितना और जो भी अब तक मैंने सीखा है, मैं उसे जरूर सिखाऊंगा।
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि कोई भी निरक्षर न रहे। आज की इस घटना ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, एक लक्ष्य दिया है। अब रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना है अपने जीवन के नए लक्ष्य पर काम करने के लिए।